डिप्रेशन का इलाज हिप्नोथेरेपी द्वारा, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। 10 से 15% लोग डिप्रेशन से या डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी टुगेदर इसे प्रभावित है, इसे वो सफर हो रहे हैं। डिप्रेशन न्यूरोटिक है, न्यूरोटिक डिप्रेशन है, मतलब सर्वसाधारण डिप्रेशन है, तो उसमें ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं है। दवाई देते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, पर उसमें ज़्यादा साइकोथेरेपी काम में आती है या हिप्नोथेरेपी काम में आती है। जो साइकोटिक डिप्रेशन है या एंडोजिनस डिप्रेशन है या बायपोलर डिप्रेशन, मतलब बायपोलर इलनेस का डिप्रेशन है ना, मतलब मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस का डिप्रेशन है, उसको दवाई तो जरूरत ही है और उसके साथ साथ हिप्नोथेरेपी से हम उसको बहुत अच्छा फायदा करवा के दे सकते हैं। डिप्रेशन में होता क्या है? डिप्रेशन में है कि मन को बहुत उदास लगना, कुछ काम करने की इच्छा न होना, बहुत स्लोली सब बातें काम करना, बातें करना, काम करना, खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होना, नींद अच्छी नहीं आना, उसको ऐसा लगता है कि भाई एक एक दिन कैसे काटना, उसको बहुत तकलीफ वाला काम हो जाता है। कुछ काम में इंटरेस्ट नहीं, कोई भी काम करने को उसको इंटरेस्ट नहीं, सेक्सुअल ड्राइव, सेक्स ड्राइव खत्म हो जाती है, और फिर बीच बीच में वो रोना उसको आता है, बिना काम का रोने लगता है, या बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको खुदकुशी करने की इच्छा होती है, विचार आते हैं। तो जो डिप्रेशन है इसमें दवाई हम देते हैं, मगर होता क्या है कि कभी कभी दवाई काम में नहीं आती। दवाई देने के बाद में उसको 50-60% ठीक लगता है, फिर हम क्या करते हैं, ये दवाई बदलो, ये दो, फिर ये दवाई के साथ में ये दवाई ऐड करो, समझो SSRI है तो उसमें फिर ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ऐड करो, मतलब ऐसा कुछ तो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम देते रहते हैं और फिर वो ठीक होते रहता है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दवाई देने के बाद में भी ठीक होते नहीं, उनको जरूरत है साइकोथेरेपी की या फिर हिप्नोथेरेपी की। जो न्यूरोटिक डिप्रेशन है, मतलब कम प्रति वाला डिप्रेशन है, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं है, ज़्यादा चल रहा है मगर उदास है, तो उनको तो हिप्नोथेरेपी काम में आती है। अब हिप्नोथेरेपी अब क्या करते हैं, हिप्नोथेरेपी के लिए मैं दवाई बंद नहीं करता हूँ, लगे तो उसको दवाई नहीं लेता हूँ तो मैं बोलता हूँ दवाई चालू कर, मगर कुछ लोग ऐसे के बोलते नहीं, हमको दवाई होना ही नहीं, हमको सिर्फ हिप्नोथेरेपी होना है, तो उनको वैसे करते हैं। तो उनको एक बार इजी चेयर पर बिठाता हूँ, लिटाता हूँ और हिप्नोथेरेपी का मतलब हिप्नोसिस का पूरा सेशन उसको देता हूँ। अब उसको हम सजेशन देते हैं, तो सजेशन मतलब पहले उसको हिप्नोटिक ट्रांस में डालते हैं, सेशन में हिप्नोटिक ट्रांस में पहले डालते हैं उसको, मतलब पूरी बॉडी रिलैक्स करके फिर उसकी एक मेथड है, वो मेथड से उसको पूरा हिप्नोटाइज करते हैं और हिप्नोटाइज करने के बाद में फिर उसको मैं सजेशन देता हूँ। और सजेशन जो है मतलब पॉजिटिव अफर्मेशन उसको देते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ साथ उसको इमेजिनेशन करने के लिए बोलते हैं, विजुअलाइजेशन करने के लिए बोलते हैं कि भाई उसका भी मूड बहुत ही अच्छा है, वो भी बहुत कुछ कर सकता है, उसको काम करने की इच्छा हो रही है, वो सबको मिल रहा है, जुल रहा है सबके साथ में, काम करने में उसको उत्साह आया हुआ है, ऐसा उसको अलग अलग सजेशन जो है वो पॉजिटिव अफर्मेशन वो उसको देते हैं। और फिर मैं उसको बोलता हूँ कि दिन में कम से कम 4 बार ये करो, ये बार 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 जब प्रैक्टिस करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं उसको, बोलते हाँ बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, मतलब एक बार हिप्नोटिक ट्रांस में गया, सेल्फ सजेशन या आत्म सुझाव उसने दिया, वो सेशन होने के बाद उसको बहुत अच्छा लगता है। जब मैं खुद करवाता हूँ तो बोलता नहीं ये तो बिल्कुल अनपैरेलल्ड है, आप क्या मैं आके हिप्नोसिस करता हूँ या हिप्नोथेरेपी लेता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। फिर बोलता भाई घर में भी ऐसा करो, तो मैं लोगों को हफ्ते में एक बार बुलाता हूँ, उनको हिप्नोटाइज करता हूँ, सजेशन देता हूँ और बाद में उनको घर में करने के लिए, उस प्रैक्टिस करने के लिए उनको सजेशन देके घर में भेज देता हूँ। तो इस तरह से डिप्रेशन के बीमार जो है वो हिप्नोथेरेपी से अच्छे होते हैं। हिप्नोथेरेपी बहुत ही प्रभावी माध्यम है क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड के ऊपर इफेक्ट करता ही नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इफेक्ट करता है, और जो प्रॉब्लम जो है ना वो सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड में सूचना जाने के लिए कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करना, उसको बाजू में करना, सबकॉन्शियस माइंड को एक्सपोज करना और सूचना सबकॉन्शियस माइंड में डालना, ये संबोध में होता है और इसे प्रैक्टिस करके बहुत फायदा हो जाता है। मैं बोलता हूँ कि रोज 4 बार प्रैक्टिस करो, आपको 15 दिन में फायदा हो जाएगा। मगर जिसमें केमिकल लोचा है,
मतलब जिसमें भी हो सकता है कि सेरोटोनिन डिफिशियंसी है, डोपामिन डिफिशियंसी हुई है, बाकी भी केमिकल्स जो है वो कम हुए हैं, मतलब हमको पता नहीं, हमारे पास में टेस्ट नहीं, हम टेस्ट भी करते नहीं है, मगर जो क्लिनिकल सिम्टोमेटोलॉजी इसमें लगता है कि नहीं इसको एंटी डिप्रेशन देने की जरूरत है, वो जरूरत ही जरूरत है, मतलब उसमें कोई रास्ता ही नहीं है, तो उसको हम देते ही, और मैं तो उल्टा फोर्स करता हूँ आपको दवाई लेनी पड़ेगी। स्पेशली जब व्यक्ति बोलता है नहीं मेरे को सुसाइडल आइडियाज आते हैं, फिर तो पहले दवाई दो। बहुत ज़्यादा सुसाइडल आइडियाज है, सुसाइडल मतलब खुदकुशी करने की कोशिश की है, तो उसको शॉक ट्रीटमेंट भी देते हैं पहले, फिर ये रखो बाजू में हिप्नोथेरेपी, वो अच्छा एक बार होने लगा फिर हिप्नोथेरेपी उसको सिखाओ। तो इस तरह से डिप्रेशन का इलाज होता है। ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, आपके कम्युनिटी में, आपके दोस्तों में। मैंने बताया कि 10-15% लोगों को ये प्रॉब्लम है। हमारा जो मकसद है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसमें आप भी पार्टनर बन जाओगे, हमारे साथ में जुड़े रहिए, वीडियो शेयर करो, ताकि एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिया, शक्तिशाली इंडिया हमको तैयार करना है, और उसमें आपका हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।